a form of energy. It enables us to see the world around us. In the absence of light, we would not be able to see anything. Today we are going to study about chapter number 50, light. Light कौन सा form में होती है? Energy के form में. जैसे electricity कौन सा form में होती है? Electrical energy के form में. Same वैसे light energy के form में होती है. हमारे घर में कितनी ऐसी चीजें हैं? पूरे world में आप देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, मैं identify कर सकती हूँ. यहाँ पे green color है, आपने red color का पहना है, मैंने white color का पहना है. तो ये सारी चीजें कलर आइडेंटिफाई करना, फेस आइडेंटिफाई करना, कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस लाइट. अगर लाइट होती ही नहीं, अगर मेरे पे लाइट नहीं दिखती तो आप मुझे देख नहीं सकते, आपकी आई से रिफ्लेक्शन नहीं होता. अगर आपके ऊपर लाइट नहीं दिखे, मैं अगर पूरा यहाँ पे रूम है वो पैक कर दू, क्लोज रूम कर दू, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, कहीं से लाइट पास नहीं होनी चाहिए, पूरा डार्क रूम है, तो आपको कोई चीज दिखेगी नहीं दिखेगी. राइट, सेम वैसे अगर मेरे पे लाइट नहीं दिखती तो आपको नहीं दिखेगी, और अगर आपके नहीं दिखती तो मुझे नहीं दिखता. जैसे आपके ऊपर लाइट गिर रही है, मेरी आई पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए मुझे आप दिख रहे हो. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कलर बिकॉज ऑफ दिस लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर हम कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये बुक का कलर ग्रीन कलर है, मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो. कैसे? बिकॉज ऑफ दिस लाइट. जैसे हम ये देखते हैं तो मुझे याद नहीं लगता ये ग्रीन कलर है, राइट? क्योंकि हमारी आई फ्लावर द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इन ऑल डायरेक्शन. व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट एंटर्स our eyes, we are able to see the object. Thus, light enables us to see the object from which is come after reflection. देखो ये object. Like यहाँ पे आपको example दिया है, देखो मैं sunflower का example दिया है. Sunflower का हमें जो yellowish color का flower आता है वो दिखता है. Like वो कैसे दिखेगा? यहाँ पे मैंने example object लेके दिखाया है. ये object है. यहाँ से sunlight आ रही है. Right, next one.
light travels in a straight line. In class 6, you perform an activity in which you observe a light candle first through a straight tube and then through a bent tube. You are able to see the candle film through a straight tube but not through the bent tube. देखो यार बस इस तरह मैंने स्टडी किया यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ से उसने पाइप जैसे स्ट्रक्चर लिया है कोई भी पाइप इस वर्ग ग्लास की पाइप इस वर्ग कर सकता हूँ प्लास्टिक की पाइप इस वर्ग कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने कैंडल चलाया ये कैंडल भी फ्रेम ये पर्सन इस पाइप में से देख सकता है बट तब जब ये पाइप स्ट्रेट होगा तब अगर मैं ये पाइप को ऐसे बैंड कर दूँ तो यहाँ पे जो कैंडल की जो फ्लेम है वो यहाँ से पास ही नहीं होगी अगर पास होगी तो इस पर्सन को नहीं दिखेगी बिकॉज लाइट कभी भी जिगजैग ट्रैवल नहीं करती है वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ही ट्रैवल करती है When you throw a tennis ball at a wall, the ball bounces back. This means that when the tennis ball strikes the ball sends it back. Similarly, when lights fall on the surface of an object, the object sends the light back. Let us do a simple activity. Hold the light in the sunlight and stand near the ball on which the sunlight is not falling directly. You see that the sunlight falling on the plate is bounced back by the plate on the wall. The phenomenon of sending back the light rays the fall on the surface of an object is called reflection of light. Reflection of light. Ek concept aapko diya hai. Yahan pe ball. Yahan se main tennis ball ko yahan pe throw kar rahi. टेनिस बॉल यहाँ से बाउंस हो रहा है और बाउंस होकर फिर से इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जाएगा आपने जिस डायरेक्शन में थ्रो किया होगा उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम है एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा मैंने यहाँ से थ्रो किया है तो यहाँ से ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है राइट ये बॉल है यहाँ से टेनिस बॉल में थ्रो कर रही हूँ बॉल यहाँ से बाउंसिंग हो रहा है और वो फिर से हमारी तरफ आ रहा है राइट सेम ऐसे लाइट का कॉन्सेप्ट है लाइट में कैसे हो रहा है यहाँ पर रेज है लाइट है वो इंसिडेंट हो रहा है वो बाउंसिंग होकर हमारा आईज में आ रहा है राइट तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा राइट का तो ही हमें सारी चीजें दिखेगी यहाँ पे बॉल को मैंने यहाँ पे थ्रो किया यहाँ से बाउंसिंग हुआ और फिर से हमारे तक आया राइट तो ये जो बाउंसिंग हो रहा है लाइट का उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ही हमें You have also learned in class 6 that you can see your image in a well-polished shining surface due to reflection of light. For example, you can see the image of your face in a mirror. आपने आपका जो face आपका जो देखते हो mirror है, वो plain mirror है. हमारा face इसलिए दिखता है कि अगर मैं यहाँ पे like ये mirror है सामने और मैं यहाँ पे mirror के सामने खड़ी हूँ, मेरे ऊपर light गिरेगी, right? और reflect होगा mirror. और फिर हमें हमारा face है वो mirror में दिख रहा है. अगर मेरे ऊपर लाइट गिरेगी अगर कोई भी चीज यहाँ पे मैं बूट रख दू राइट या बूट रख दू तो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है और मेरा फेस मुझे इसमें नहीं गिरता राइट तो जो स्मूथ शाइनिंग सरफेस होती है उसमें रिफ्लेक्शन स्मूथ नहीं होता है राइट इसलिए हमें सारी चीजें हम उसमें देख पाते हैं Surface also reflect light. For example, you must have seen reflection of trees or buildings in still water of ponds or lakes. You can see your face in straightless, still place. This is because still water and straightness. Still also reflect light. Water ka concept aapne dekha hai kabhi bhi summer mein especially. Water ke paas tree hai ya building se uska aapko dikhta hai image. Kabhi dekha hai samajh mein aaya? Right? So ye bhi reflection ka concept hai. Trees ya buildings ke upar light gir rahi hai aur wo light reflect hota hai water mein dikh raha hai. Right? So ye bhi reflection of light ka concept hai. Iska alawa steel ki spoon ya aap plate le lo. Kabhi aapne observe kiya usme hamara face dikhta hai. Right? So jo steel ki spoon hai, jo plate hai, वो स्फेरिकल मिरर की जैसे वर्क कर रहा है उसके ऊपर हमारे ऊपर लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है स्टील की जो स्टेनलेस स्टील होता है वो स्टील की प्लेट में या स्पून में इसलिए हमारा फेस उसमें दिखता है तो ये सारा कांसेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है नेक्स्ट वन एक्टिविटी 1 टू शो दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर थिंग्स नीडेड अ टॉर्च अ चार्ट पेपर अ पेयर ऑफ सीजर दोस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट आपको स्टडी करना है टॉर्च देखो ये सेम टर्म्स नेक्स्ट टाइम पे ये भी आएगा बहुत पीपल में क्योंकि ये फिजिक्स का कांसेप्ट है राइट
राइट आप 11th क्लास में या 10th में 9th क्लास में या 6th में ये सारे चीजें स्टडी कर लिए यहां पे अच्छे से ये टर्म समझ आ कोई इस 8th में समझ में आए तो फिर वहां पे तो बोल भी कर लेना नेक्स्ट वन The ray of light that falls on a polished smooth surface of an object is called incident ray. देखो जो rays plane mirror के ऊपर falling हो रहा है, गिर रहा है, उस rays को बोले जाएगा incident rays या incident rays. Next one. The ray of light that is sent back by the surface of an object is called reflected ray. और जो rays यहाँ से strike होके bouncing हो रहे हैं, उस rays को बोला जाएगा reflected rays. इंसिडेंट रेज को मैंने ए से डिनोट किया है और रिफ्लेक्टेड रे को ए से डिनोट किया है राइट इंसिडेंट रेज मींस जो सेंटिंग हो रहा है स्ट्राइक हो रहा है प्लेन के ऊपर कोई भी स्मूथ या साइड सरफेस के ऊपर और वहां से जो रेज बाउंसिंग हो रहा है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रेज नेक्स्ट द पाथ टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इज ऑफन शो बाय अ रे डायग्राम इन द फिगर गिवन बिलो द परपेंडिकुलर लाइन NO is called the normal. देखो ये यहाँ से इन दोनों के बीच में एक z बीच में जो perpendicular line हम draw करेंगे उसको बोला जाएगा normal. जो मैंने N से denote किया है. And repeated again जो rays smooth surface के ऊपर strike हो रहे हैं incident rays और वहाँ से जो bouncing हो रहे हैं reflected rays उन दोनों के बीच में एक z center में जो perpendicular line draw की जाती है उसको बोला जाएगा normal. Right? और जहाँ पे ये rays strike हो रहे हैं उसको O से denote Next one. The angle between the incident ray and the normal is called angle of angle between incident rays and normal. फिर से देखा angle between incident rays and normal के बीच का जो angle है उसको बोला जाएगा reflect incident angle. Like right और normal and reflected angle के बीच का जो angle है उसको बोला जाएगा and जो normal and जो reflected rays के बीच का जो angle है उसको बोला जाएगा reflected angle. और इसको आई से डिनोट किया है नेक्स्ट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल्स विद द प्लेन देखो यहां लिखा है इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होगा अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का एंगल बनेगा अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का एंगल बनेगा राइट आप कोई भी कांसेप्ट स्टडी करो प्लेन मिरर में जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसमें इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों पैरेलल होते हैं दोनों इक्वल होते हैं अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा नेक्स्ट वन रियल एंड विर्चुअल इमेज रियल इमेज स्टॉप स्टॉप